एक ऐसा वहशी दरिंदा जो इंसानों को सुअर में बदलकर उनका मीट खा जाता है, जो खुद सड़ा हुआ मांस खाकर ज़ॉम्बी बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर मीट की। लेकिन बहुत से लोगों ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा कि इसका नाम मिस्टर मीट नहीं है, बल्कि ये जिस शॉप का ओनर था उस शॉप का नाम था मिस्टर मीट। तो जिसको आप मिस्टर मीट के नाम से जानते हो उसका असली नाम है जॉन मेंशन, जिसे पूरे गेम में कहीं नहीं किया गया मेंशन। तो आपको मिस्टर मीट की बेसिक स्टोरी तो पता ही होगी, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि मिस्टर मीट का गेम एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड था। मतलब मिस्टर मीट जैसा एक वहशी दरिंदा रियल लाइफ में हुआ करता था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिस्टर मीट की असली कहानी और साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर उसकी फैमिली का क्या हुआ, आखिर क्यों उसने अपनी पड़ोसन को किडनैप करके अभी तक जिंदा रखा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि भाई बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, नो पिग इज हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फाड़ू वीडियो। मिस्टर मीट शुरुआत से ही कोई ज़ॉम्बी नहीं था, वो एक नॉर्मल आदमी था। उसकी एक शॉप थी जहाँ पर वो मीट बेचता था, उस दुकान का नाम था मिस्टर मीट, मतलब उसके ब्रांड का नाम मिस्टर मीट था, जैसे कि हल्दीराम भी एक ब्रांड का नाम है, न कि किसी इंसान का नाम। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हल्दीराम। तो जॉन मेंशन एक सामान्य आदमी हुआ करता था, उसका एक परिवार था, वो शहर से काफी दूर सुनसान इलाके में रहता था। आखिर क्यों लोग सुनसान इलाकों में जाकर घर बना लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जो भी है, वो अपने परिवार के साथ काफी खुश था, उसकी मीट की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन एक चीज अच्छी नहीं चल रही थी, वो थी पत्नी के साथ उसकी जिंदगी, क्योंकि भैया उसकी पत्नी को थी नशे की लत। और जॉन मेंशन था एक शरीफ आदमी, वो हमेशा अपनी पत्नी को बोलता था कि इस नशे को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी मुकेश हराने जैसी हो जाएगी। मजाक कर रहा था। उसकी पत्नी भी काफी अच्छी औरत थी, लेकिन वो एक नंबर की नशेड़ी थी। तो उनके घर में रोज लड़ाइयां होती थी, मारपीट तक होने लगी थी, लेकिन उसकी पत्नी ने नशा नहीं छोड़ा। ये सब देख देख कर जॉन का दिमाग रोज खराब होता था और उसका काम में मन नहीं लगता था। और एक दिन वही हुआ जो होना था। जॉन की किट-किट से परेशान होकर उसकी पत्नी घर छोड़कर भाग गई, साथ में अपनी बच्ची को भी ले गई। तो चूंकि जॉन करता था अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार, इसलिए हो गया उसका जीना दुश्वार। कि भाई वो डिप्रेशन में चला गया। और फिर वही हुआ, वो भी खूब सारा नशा करने लगा, दिन रात शराब पीने लगा और काम धंधा कर दिया उसने बंद। उसके घर में जितना भी मीट का स्टॉक था वो सब सड़ गया और जॉन के पास बचे नहीं थे पैसे, तो भाई वो सड़ा हुआ मीट खाने लगा। और उस मीट के अंदर एक ऐसा वायरस डेवलप हो गया था जिसको खाने की वजह से मिस्टर मीट जॉन ज़ॉम्बी बन गया। मतलब ऐसा ज़ॉम्बी नहीं बना कि उसका दिमाग चलना बंद हो गया, दिमाग तो उसमें खूब था, बस ये था कि अब वो लोगों को पकड़कर पहले उनको सुअर में कन्वर्ट करता था और फिर उनके मांस को खाता था। और वो ऐसा क्यों करता था, इसके पीछे भी एक कहानी है, बताऊंगा मैं आगे। तो इस कहानी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो ये है कि मिस्टर जॉन जो था वो बन गया है मिस्टर मीट, और अब वो लोगों को पकड़कर अपने घर में लेकर आता है, उनका मीट खाता है। एमिलिया क्लार्क, ये उसकी पड़ोसन हुआ करती थी जिसे मिस्टर मीट ने किडनैप कर लिया। लेकिन किडनैप करने के बाद मिस्टर मीट ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसे अपने साथ रख लिया कैद करके। इसके पीछे एक लॉजिक तो ये है कि वो लड़की जो है वो उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। लेकिन मिस्टर मीट इतना शरीफ भी नहीं है। एक्चुअली में एमिलिया पहले जॉन के साथ काम करती थी। एमिलिया एक साइंटिस्ट थी और जॉन अपनी शॉप पर जो मीट बेचता था उसको टेस्टी बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए जाते थे उसके लिए मीट के अंदर एक खास कंपाउंड मिलाया जाता था, जिसे बनाने में एमिलिया जॉन की हेल्प करती थी। लेकिन जब एमिलिया को पता चला कि जॉन इंसानी मांस को सुअर के मांस में मिलाना चाहता है ताकि मीट का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाए, तब उसने जॉन के साथ काम करने से मना कर दिया और उसने जॉन की नौकरी छोड़ दी। लेकिन अब मिस्टर मीट डायरेक्ट इंसानों को पकड़ता है, उनको सुअर में कन्वर्ट करता है और उनके मांस को खाता है, जो उसे बड़ा टेस्टी लगता है। और इंसानों को सुअर में बदलने के लिए उसको जो एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं उसके लिए उसे जरूरत पड़ती है एमिलिया की, और यही रीजन है कि उसने अभी तक एमिलिया को मारा नहीं है। और जॉन मतलब मिस्टर मीट की फैमिली जो उसे छोड़कर चली गई थी, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और ना ही गेम में इस बारे में कुछ मेंशन किया गया है। लेकिन जॉन की फैमिली के साथ एक्चुअली में क्या हुआ वो आज आपको पता चल जाएगा। मिस्टर मीट नाम का ये जो गेम है ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, और जॉन मेंशन का कैरेक्टर भी रियल लाइफ में हुआ करता था और उसका नाम भी जॉन ही था। बचपन में जॉन अनाथ था, उसके पिता को जेल हो गई थी और उसकी मां ने सुसाइड कर ली थी। वो एक छोटा सा बच्चा था जो बूचड़ खाने में काम करता था, मतलब मीट को काटने की शॉप पर काम करता था। वो बचपन से ही अकेला था, गरीब था, इसलिए उसको शराब और नशे की लत लग गई थी, क्योंकि उसकी दोस्ती हो गई थी रिया चक्रवर्ती से।
इसको काट देना। तो फाइनली जब वो बड़ा हो गया उसने शादी की और उसकी एक बेटी हुई, लेकिन उसके इस नशे की आदत की वजह से उसकी बीवी बड़ी परेशान रहती थी। मतलब गेम में उसकी पत्नी को नशेड़ी बताया गया था, जबकि रियल लाइफ में जॉन खुद एक नंबर का नस्सू था। ये नस्सू क्या होता है, नशेड़ी था। और उसने धीरे धीरे पैसे जमा करके खुद की एक शॉप खोल ली थी जिसका नाम था मिस्टर मीट। और यहाँ पर वो म्यूटेंट मीट पर एक्सपेरिमेंट करता था, मतलब वो रियल लाइफ में सुअर के मांस में इंसानी मांस को मिलाता था। जब ये बात उसके बीवी बच्चों को पता चल गई तो उन्होंने घर छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन जॉन को डर था कि कहीं ये लोग पुलिस के पास ना चले जाएं। इसलिए उसने अपनी बीवी और बच्ची दोनों को और उसके बाद बाथ टब में एसिड डालकर उनकी लाशों को गला दिया। लेकिन पुलिस को जॉन की इस करतूत के बारे में पता चल गया क्योंकि उसके रेस्टोरेंट की तरफ जाने वाले करीब 10 लोग एक महीने के अंदर गायब हो चुके थे और आसपास की दुकान वालों को जॉन के ऊपर बहुत पहले से शक था। तो पुलिस उसकी मीट की शॉप में घुस गई और जांच करने पर उन्होंने जो नजारा देखा वो देखकर उनकी भी हालत पतली हो गई थी। और करीब 10 से ज्यादा लोगों के मर्डर के इल्जाम में जॉन को अरेस्ट कर लिया गया। और इसी कहानी के ऊपर बेस्ड था ये गेम जिसका नाम था मीट। तो मुझे तो इस गेम की स्टोरी से रियल स्टोरी ज्यादा डरावनी लगी, मतलब कैसे कैसे पागल लोग होते हैं इस दुनिया में। तो ये थी मिस्टर मीट की कहानी और इससे हमें यही सीखने को मिला कि भैया साग सब्जी खाओ, मजे उड़ाओ, या तुम्हारा जो मन करे वो खाओ, लेकिन किसी इंसान को पकड़ के मत खाओ। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार Q&A आने वाला था, ये वीडियो कहां से आ गया। तो एक्चुअली Q&A पर काम चल रहा है, सवाल बहुत ज्यादा ही हो गए हैं, तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है Q&A बनाने में। और बहुत से लोग काफी महीनों से कमेंट कर रहे थे कि मिस्टर मीट के ऊपर एक वीडियो हो जाए, इसीलिए पहले मैंने मिस्टर मीट पर वीडियो बना दिया। Q&A बस आने ही वाला है, तो अगर अभी तक भी तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक काम करो, इंस्टाग्राम पे मेरे 10,000 फॉलोअर बस होने ही वाले हैं, 40-50 बचे हैं, तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। और अगर तुमने Q&A के लिए सवाल अभी तक नहीं पूछा है तो कमेंट्स में पूछ डालो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।